चेंबूर ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ साथ आसपास वाले सभी ज्वेलर्स व्यापारियों ने बड़ी संख्या में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के विरोध में धरना आंदोलन किया। सभी आंदोलनकर्ताओं ने हमारी भूल कमल का फूल एक्साइज ड्यूटी वापस लो जैसे कई नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया। से पूरे हिंदुस्तान के जगह पर धरने पर बैठे हैं, दुकानें बंद करके बैठे हैं, अपने व्यवसाय बंद करके बैठे हैं। उनका कहना यही है कि सरकार को रेवेन्यू देने के लिए हम टैक्स अगर सरकार हमारे से लेना चाहती है लेकिन ऐसा रूप में नहीं, हम उसके रूप में दे सकते हैं, इंप्यूट रूप में दे सकते हैं या से ले सकते हैं। एक्साइज से ये इसलिए डरते हैं क्योंकि एक्साइज को इतना पावर होता है कि वो आपको बिना तंग भी करेगा अधिकारी, एक और खिड़की खुलती है और फिर उसके बाद में वो कर और फिर इनको तंग किया तक हो सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम रेवेन्यू चाहिए, नरेंद्र मोदी को अगर रेवेन्यू चाहिए हम देने के, लेकिन एक्साइज के तैयार नहीं है और ये इतनी निकम्मी है और हो चुकी है है। ये हिटलर चाह रही है कि वो पूरे देश के ज्वेलर्स की बात सच्चाई से नहीं सुन रहे, ये दुनिया है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ज्वेलर्स सभी ज्वेलर कोई अमीर नहीं है, सभी के पास नहीं है, मेहनत करते हैं। नहीं माननीय राष्ट्रपती साहेबांनी तर स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की कुठल्या परिस्थितीमध्ये आमचा पूर्ण पक्ष आमचे पूर्ण कार्यकर्ते हे यांच्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्वेलर्सच्या पाठीशी आहेत। आणि जोश म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिथे आली तिथे ताकद आलीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिथे आली याच्यानंतरचे आमचे महाराष्ट्र जे नेता आहे फतेलालजी राका आहे, दुसरे जे एसोसिएशन आहे त्यांच्या म्हणणं आहे की आमचं आंदोलन आणखी उग्र होणार आहे, लोक रस्त्यावर येणार आहे, रेल लोक आंदोलन होणार आहे, ट्रॅफिक जाम करणार आहे, ट्रॅफिक चक्का करणार आहे, प्लेनच्या रस्ता जाम करणार आहे, आमचं आंदोलन आणखी उग्र होणार आहे। एज आमचं आहे जेपर्यंत एक्साइज ड्युटी रोल अप होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आणखी जोरात चालू होणार आहे। एकंदरीत आज तुम्ही भाजपाचे सदस्य होते, त्यांनी सुद्धा भाजपच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेला आहे, तुमच्यामध्ये एकी आहे परंतु काही ठिकाणी ज्वेलर्सवाल्यांमध्ये एकी नाही आहे, ते सफल उघडतात यावर हे बघा ज्वेलर्स व्यवसाय पूर्ण हिंदुस्तानचे 90% लोक बंद आहेत, हे काय एवढी सोपी गोष्ट नाही। तुम्हाला माहिती आहे कुठलाही ट्रेडमध्ये एवढी एकता कुठेही तुम्हाला पाहायला भेटली नाही असेल की एक महिन्याने आम्ही ट्रेड बंद ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये पण थोडे काय 2-4% लोक असे असतात जे कॉर्पोरेट लेवलचे आहे आणि ज्यांना गव्हर्नमेंटच्या काहीमुळे पाठिंबा आहे आणि काय त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहे ते ऑलरेडी एक्साइज पेड करत आहे तर त्याच्यामुळे ते बंद करत नाही। कांग्रेस पार्टी जनरल के साथ में खड़ी है लेकिन जो ये लोग एक्साइज लगा रहे हैं वो गलत है कि इनको किसी के ऊपर भी हाथ डालने का टाइम मिल जाएगा कि पार्टी ये गवर्नमेंट जिसको भी चाहेगी एक्साइज के नाम पे उठा के लेके जाएगी, उन लोगों के साथ में बेशुल्क भी करेगी और उसके लिए एक्साइज कर रहे हैं तो 13 जगह से बन के एक जगह पे एक गोल्ड पहुंचता है तो 1% के हिसाब से 13% इनको भरना पड़ जाएगा, एक जगह नहीं है 1% के साथ 13% भर जाएगा।
ये लोग एक्साइज के हिसाब से बोल रहे हो, 13 जगह से घूम के आता तो 13 दुकानों से उधर तक 13% पहुंच जाएगा एक्साइज, इसके लिए लोग ना मंजूर है। तो एक्साइज के रूप में लोग वेट के हिसाब में देने के लिए राजी, आप उस तरह ले लो। और इसके पीछे बहुत लोग गरीब लोग भी काम करते हैं, ज्वेलर्स पूरे अमीर नहीं है, जो कारीगर लोग है वो गरीब तबके से रहते हैं, वो रोड पे आ जाएंगे, जितना दिन की बनते रहेगी उनकी उतने दिन की रोजी रोटी चले जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए और ये चीज हटाना चाहिए।